हेलो गाइस, वेलकम टू ज्योग्राफी ऑन टिप्स। सो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन और मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नाउ सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर एज फॉलोज। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कैपिटल, मतलब मनी। इसका ए पॉइंट है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट अफोर्ड। तो दोस्तों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसके लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इन इंडस्ट्रीज पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नाउ इसका बी पॉइंट है, मैनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एड। सो फ्रेंड्स, कई सारे पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ऐसे हैं जिनको फॉरेन एड की मदद से एस्टैब्लिश किया गया है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज फॉरेन एड की मदद से या फिर उनके कोलैबोरेशन में बनाई गई हैं। नाउ फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर आती है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका ए पॉइंट है, दो आउट द 1960s एंड अप टू द ऑयल क्राइसिस इन मिड 1970s, इंडियन स्टील इंडस्ट्री वॉज कैरेक्टराइज बाय अ हाई डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल इफिशियंसी। सो फ्रेंड्स, 1960s और मिड 1970s तक जब ऑयल क्राइसिस नहीं हुआ था, तब तक इंडियन स्टील इंडस्ट्री को कैरेक्टराइज किया जाता था हाई डिग्री टेक्नोलॉजिकल इफिशियंसी, मतलब टेक्नोलॉजी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। और इसका बी पॉइंट है, दिस टेक्नोलॉजी वॉज मेनली फ्रॉम एब्रोड। तो दोस्तों ये सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, ये सब फॉरेन टेक्नोलॉजी थी, ये सब बाहर की टेक्नोलॉजी थी दोस्तों, ठीक है। इसका सी पॉइंट है, बट ड्यूरिंग द फॉलोइंग टू डिकेड्स आफ्टर द ऑयल क्राइसिस, स्टीप हाइक इन एनर्जी कॉस्ट एंड एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अदर इनपुट्स रिड्यूस द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द स्टील प्लांट्स। लेकिन फ्रेंड्स, ऑयल क्राइसिस के बाद अगर पिछले 20 सालों की बात करें, तो एनर्जी कॉस्ट और दूसरे इनपुट्स जिनकी ज़रूरत पड़ती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और फ्रेंड्स, स्टील प्लांट्स का जो प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया को अपने टेक्नोलॉजी बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे आता है लो प्रोडक्टिविटी। इसका ए पॉइंट है, द पर कैपिटा लेबर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज एट 90-100 टन्स, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ फ्रेंड्स, पर कैपिटा लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि एक इंडस्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका एवरेज निकाला जाता है और जितने भी लेबर्स हैं उन पे बराबर बांट दिया जाता है। तो दोस्तों एक लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया में, वो निकल के आती है 90-100 टन्स, जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इसका बी पॉइंट है, द लेबर प्रोडक्टिविटी इन जापान, कोरिया एंड सम अदर मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इज अबाउट 600-700 टन्स पर मैन पर ईयर। तो फ्रेंड्स, अगर दूसरी कंट्री के लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करें, जैसे जापान, कोरिया और दूसरी कंट्रीज़ में, तो दोस्तों एक लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो है 600-700 टन्स पर मैन पर ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो। सो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। फोर्थ नंबर पर आता है इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मतलब दोस्तों जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, उतनी नहीं होती है। इसका ए पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर प्लेग्ड बाय इनएफिशिएंसी कॉस्ट बाय हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन सोशल ओवरहेड्स, पुअर लेबर रिलेशंस, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी एक्सेट्रा। तो दोस्तों कई सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऐसे हैं जो कि प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते, क्योंकि एक इंडस्ट्री को बनाने के लिए काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और उन सभी लोगों को पैसा देना पड़ता है। और दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लेबर, मतलब वो लोग जो वहाँ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन ना होना, जिसकी वजह से दोस्तों लेबर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट भी इतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों जितनी कैपेसिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्टिविटी होती है, जिनकी इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की वजह से फ्रेंड्स इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। इसका बी पॉइंट है, दिस हिंडर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्टील प्लांट्स एंड रिजल्ट्स इन हैवी लॉसेज।
सो फ्रेंड्स, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की वजह से स्टील प्लांट्स में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। नाउ फ्रेंड्स, फिफ्थ प्रॉब्लम है लो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन, मतलब अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल ना करना। इसका ए पॉइंट है द पोटेंशियल यूटिलाइजेशन इन आयरन एंड स्टील इज वेरी लो। तो दोस्तों, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का भी यही हाल है कि वहाँ पर लोग ध्यान नहीं देते और अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसका बी पॉइंट है रेयरली द पोटेंशियल यूटिलाइजेशन एक्सीड्स 80%। तो ऐसा बहुत कम देखा गया है कि पोटेंशियल यूटिलाइजेशन 80% तक हो गया हो। इसका सी पॉइंट है फॉर एग्जांपल दुर्गापुर स्टील प्लांट यूटिलाइजेस ओनली 50% ऑफ इट्स पोटेंशियल। तो दोस्तों, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो सिर्फ 50% अपना पोटेंशियल इस्तेमाल करता है। नाउ फ्रेंड्स, इसका डी पॉइंट है दिस इज कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स लाइक स्ट्राइक्स, लॉकआउट, स्कैर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, एनर्जी क्राइसिस, इनफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो दोस्तों, पोटेंशियल यूटिलाइजेशन इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि फैक्ट्रीज में आए दिन स्ट्राइक्स होती रहती हैं, लॉकआउट्स और रॉ मटेरियल का स्कैर्सिटी मतलब कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिनकी वजह से दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम आती है। नाउ सिक्स प्रॉब्लम है हैवी डिमांड। इसका ए पॉइंट है इवन एट लो पर कैपिटा कंजम्पशन रेट डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इज इंक्रीजिंग विद ईच पासिंग डे एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आयरन एंड स्टील आर टू बी इम्पोर्टेड फॉर मीटिंग द डिमांड्स। सो फ्रेंड्स, आयरन एंड स्टील का जो कंजम्पशन रेट है उसका एवरेज काफी कम होने के बावजूद भी डिमांड आए दिन बढ़ती ही जा रही है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन एंड स्टील को इंपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज से ताकि यहाँ की डिमांड पूरी हो सके। इसका बी पॉइंट है प्रोडक्शन हैज़ टू बी इंक्रीज टू सेव द प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज। तो इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत है ताकि फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा कम हो सके। सेवेंथ प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ मेटलर्जिकल कोल। तो दोस्तों, मेटलर्जिकल कोल वो होता है जिससे अच्छी क्वालिटी का कोक बनता है। और फ्रेंड्स, कोक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जो कि ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ किया जाता है प्राइमरी स्टील को बनाने के लिए। नाउ इसका ए पॉइंट है ऑल्दो इंडिया हैज़ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर कोल रिजर्व्स, स्पेशली हाई ग्रेड कोकिंग कोल फॉर स्मेल्टिंग आयरन आर लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड आयरन ओर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं और कोल रिजर्व्स भी बहुत सारे हैं, पर दोस्तों हाई ग्रेड कोकिंग कोल जो कि स्मेल्टिंग आयरन को बनाने के लिए यूज़ होता है वो बहुत लिमिटेड है। इसका बी पॉइंट है मैनी स्टील प्लांट्स आर फोर्स टू इंपोर्ट मेटलर्जिकल कोल। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं जो कि मेटलर्जिकल कोल इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से। सी पॉइंट है फॉर एग्जांपल स्टील प्लांट एक्ट विशाखापट्टनम हैज टू इंपोर्ट कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जैसा कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो है वो इंपोर्ट करता है कोल ऑस्ट्रेलिया से। डी पॉइंट है सीरियस थॉट इज नाउ बीइंग गिवन टू रिप्लेस इंपोर्टेड कोल बाय नेचुरल गैस फ्रॉम कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ज़्यादातर ध्यान इस बात पे दिया जा रहा है कि जो इम्पोर्टेड कोल है उसको नेचुरल गैस से रिप्लेस करना चाहिए जो कि कृष्णा गोदावरी बेसन में मिलती है। नाउ फ्रेंड्स, एट और लास्ट प्रॉब्लम है इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसका ए पॉइंट है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एंड कैपिटल इनपुट्स एंड वीक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लीड्स टू अ प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग विच इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड यील्ड्स इनफीरियर वैरायटी ऑफ गुड्स। तो फ्रेंड्स, इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी है और कैपिटल इनपुट्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फैक्ट्रीज का, मशीन्स, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से दोस्तों स्टील बनाने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है और जो प्रोडक्ट बनके तैयार होता है उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। इसका बी पॉइंट है सच अ सिचुएशन फोर्सेस अस टू इम्पोर्ट बेटर क्वालिटी स्टील फ्रॉम अब्रॉड। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में इंडिया के लोगों को अच्छी क्वालिटी का स्टील इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज से। नाउ इसका सी पॉइंट है दस देयर इज अर्जेंट नीड टू इम्प्रूव द सिचुएशन एंड टेक द कंट्री आउट ऑफ डेस्परेट पोजीशन। सो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि कंट्री को इस डेस्परेट पोजीशन से निकाला जा सके। सो फ्रेंड्स, यही सारी प्रॉब्लम्स थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की। आई होप कि आपको सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।